हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एंड टेक। और आज की इस वीडियो में जस्ट रैंडम बात करूंगा, क्योंकि आज 4 फरवरी है और मतलब आज ही गेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। आज एग्ज़ाम हो गया है अपना गेट। कंप्यूटर साइंस के सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा आई होप। और अराउंड 1 मंथ के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कितना डिले क्यों हो गया है। और ये लेट्स एक्सप्लोर गेट रोल प्ले की सीरीज भी अपनी काफ थोड़ा सी रह गई है, और इसमें एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू के टाइप में काफ़ी लंबा वीडियो भी बनाने वाला हूँ मैं। तो अब से मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर करने का, क्योंकि मेरे खुद का ऑफिस का वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अभी टेस्ट सीरीज का काम भी चल रहा था, गूगल क्लासेस का, तो उसमें थोड़ा बहुत इनपुट देना पड़ता है, कुछ कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए टाइम हो ही जाता है। और ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है। और तो आज का अभी जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जस्ट रैंडम टॉक करूँगा मैं, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, और एक बताऊँगा कि गेट के एग्ज़ाम से आप क्या कर सकते हैं। गेट का एग्ज़ाम अगर आपका जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो आप अदर एग्ज़ाम्स भी हैं तो उनको ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ कि आपका अगर थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपका अच्छा स्कोर नहीं आया होगा, और आएगा मतलब आपने उतना अटैम्प्ट अच्छे नहीं किए हैं, या आपका किसी भी वजह से सिलेबस से ज़्यादा हो गई हैं, और कई लोग सॉरी कई लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि इजी पेपर था। एक्चुअली फॉर्म तो मैंने भी फिल किया था, पर मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं फिर देने नहीं गया। मैंने कहा अभी क्या ही करूँगा उसका स्कोर का भी, जितना थोड़ा बहुत आएगा 30-40 नंबर या जितने भी मे भी, तो मैंने कहा उतने का क्या ही करूँगा। और अच्छा रैंक आती तो मैं भी शो करने में भी अच्छा लगता है, और आजकल शो करना बहुत ज़्यादा मतलब शो तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा शो केस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। मैं तो आप लोगों से, अगर आपने मतलब पहले के जो सब्सक्राइबर हैं, 143 सब्सक्राइबर थे, पर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो 3 लोग अनसब्सक्राइब कर दिया, आई डोंट नो वाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब्सक्राइबर के पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ, पहली बात। दूसरी चीज़ की मैं एकदम नया हूँ, बोलना उतना अच्छे से नहीं आता, तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ कि हाँ इम्प्रूव भी हो जाएगा आप लोगों से इंटरेक्ट करने में। और अगर किसी सिंगल बंदे का भी अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और चैनल से, और मैंने जो टेलीग्राम पे भी लोगों को हेल्प करा है, उसमें अभी 2-3 लोगों का रिप्लाई आया कि भैया बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा है, और अराउंड अच्छा थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक कम होगी तो 200 के अराउंड रैंक आ जाएगी, नहीं तो अंडर 500 आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है यार। मैंने ये चैनल सिर्फ एक ही पर्पज़ के साथ ओपन किया था कि अगर मेरे इस चैनल से या मेरी किसी गाइडेंस से या मेरे द्वारा एक सिंगल बंदे का भी अगर भला हो जाए तो दैट्स इट। मैं ऐसे नहीं कि भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ, नहीं। देखो, जिसको अच्छा लग रहा है कंटेंट, जिसको कुछ हेल्प मिल रही है, नो डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, और आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि ये चीज़ आपने गलत बताई। वैसे मैं एकदम ऑथेंटिक रिसोर्सेज को यूज करके बताता हूँ, कुछ भी अगर बताता हूँ तो मैं ऐसे कोई हवा में बात बिल्कुल नहीं करता। अब आप कोई सा भी मेरा वीडियो दिखा देख के देख लेना, बिल्कुल हवाएं बात नहीं मैंने की है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रैक्टिकली चीज़ में बताता हूँ, जो कि रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट भी होती है ना। तो एक मैंने सीरीज बनाई थी, एक प्लेलिस्ट दिखाता हूँ कि गेट के बाद भी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो अपन दे सकते हैं, एग्ज़ाम्स अदर देन गेट। इसमें 4 एग्ज़ाम्स मेनली मैंने कवर किए थे, एक था अपना IIIT हैदराबाद का, एक था अपना CMI चेन्नई है जो, और ISI कोलकाता, अपना वेल नोन इंस्टीट्यूट है TFR का, जिसमें TFR का PhD के लिए होता है एग्ज़ाम, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी थोड़ा सा अभी हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं। पर और जो ISI कोलकाता और CMI है IIIT, इसमें MTech होता है प्रॉपर, और ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब IIT लेवल के इंस्टीट्यूट हैं। आपको तो पता है, अगर आप लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसका आप लोग फॉर्म जरूर भरना। और अभी मैं आज रात में चेक करके देखूंगा कि किस किस का डेट्स कब है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट वीडियो बना दूंगा। और कई चीज़ों का होता है कि जिसमें वीडियो नहीं बना पाता ना, तो आप लोग मतलब थोड़ा मतलब हर चीज़ के लिए वीडियो की डिमांड आप ही नहीं करना, और मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं रहता है कि मैं हर चीज़ का वीडियो बनाऊं। तो उसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा, जैसे मैं पोस्ट करता रहता हूँ कम्युनिटी पोस्ट, तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर देखते रहें, हमेशा कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा देखते रहें, कुछ ना कुछ आपको एवरीडे नया मिलेगा। अब से मैं ट्राई करूँगा कि एक्टिव रहूँ, देखो सो सॉरी फॉर दैट, अगर 1 महीने से मैं एक्टिव नहीं था, नो डाउट आप लोगों को और भी अच्छा सा बता पाता चीज़ें और करवा पाता, कुछ ना कुछ आपको इनसाइड मिलती, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलती नो डाउट, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रहूँगा, कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं करूँगा मैं, करूँगा बस,
कोशिश करना और करने में बहुत अंतर होता है। मैं कोशिश नहीं करूँगा, मैं करूँगा बस। ये मैंने कह दिया ना बस। तो आज एक सब जब रैंडम बात करते हैं, तो अभी जो अपना 2022 का सॉरी 23 का जो पेपर ख़त्म हो गया है, अब लोग अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं कि यार इसमें ये आंसर था, इसमें वो आंसर था। लेट्स वेट फॉर द आंसर की, आई थिंक सो। मेरे हिसाब से आप आंसर की का वेट करें। अननेसेसरी डिस्कशन में मतलब यार, कई लोगों ने डिप्रेस हो रहे हैं डिस्कशन के साथ, अरे यार मेरा तो ये सही था, ये नहीं था, ये वो था। कुछ लोग गलती कर अजम्पशन लगा रहे हैं, कुछ लोग अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। जब उनका आंसर किया आएगा ना तो अच्छा रैंक आएगा। और कई लोग अननेसेसरी परेशान होते हैं, ये हर साल का यही रहता है, तो वो परेशान नहीं होना है आपको। दूसरी चीज़ कि आप लोगों ने अब पूरी साल मेहनत की है, आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है। चलो मैं थोड़ा सा गेट और फ्लो वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा एंड, अब मैं जनरली टॉक करता हूँ। तो आप लोगों ने 1 ईयर प्रिपरेशन किया है पूरा, अपने आप को पूरा टाइम दिया है, सेक्रीफाइसेस बहुत सारे किए हैं, कहीं गए नहीं, किसी की सारे शादी अटेंड नहीं की, फंक्शन अटेंड नहीं किया, ट्रिप पे नहीं गए, घूमने नहीं गए, जो भी है XYZ जो भी है आप नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने सेक्रीफाइस किया। अब टाइम है, आपका पेपर भी हो गया, जैसा भी रहा कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार सीरियसली मैं बता रहा हूँ ना, जैसा भी गया हो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ 1 वीक तक आप आराम से थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, थोड़ा नेचुरल जगह में घूम भी सकते हो। जिसको ट्रैवलिंग का शौक है, जिसको जिस चीज़ का भी शौक है ना, कुछ चीज़ों के यहाँ नाम नहीं ले सकते ना पब्लिकली, तो जिसको जिस चीज़ का शौक है वो चीज़ करो। 7 दिन तक आराम से जहाँ जहाँ जिसके यहाँ जाना हो, रिलेटिव्स के यहाँ, जिससे फ्रेंड से मिलना, जिससे भी मिलना हो, ठीक है, वैसे ही मिलने मिलाने वाला ही महीना चल रहा है, तो जिससे भी आपको मिलना हो तो मिल सकते हो। और रिलैक्स करो, रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, 1 वीक कर लेना आप। अभी कितना, जैसे आज 4 तारीख, 10 दिन भी कर सकते हो, तो 14 तारीख के बाद, 15 के बाद, 15 से आप लोग स्टार्ट कर देना। क्या अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि किसी की रैंक अंडर 100 रहेगी, तो अंडर 1000 रहेगी, 500 रहेगी, तो जिसके अंडर 100 उसको तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाते हैं। पर कई लोगों को क्या होता है कि जैसे अंडर 1000 रैंक है, 2000 रैंक है, तो उन लोगों का रिटर्न एग्जाम भी होता है IITs में, और इंटरव्यू भी होता है, मेनली इंटरव्यू होता है, कई में रिटर्न टेस्ट भी होता है, कोडिंग इंटरव्यू भी होता है। तो आप लोग कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 थिंग। और कोडिंग के लिए मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म अभी रिकॉर्ड कर दूंगा वीडियो, तो उसमें सजेस्ट कर दूंगा आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ से। मैंने प्रैक्टिस की थी अपने MTech के टाइम पे, गेट के बाद तो हमें भी पता नहीं था क्या करना, तो हम तो वही एक बार हो गया तो बस चिल करने लगते हैं, बस पढ़ा हो रहा कुछ नहीं, तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फर्स्ट थिंग कि 10 दिन रिलैक्स करने के बाद, 14 तारीख को जो आपका बहुत बड़ा त्यौहार है उसको मनाने के बाद, अब जिसका है उसको बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ बार बार। और 15 तारीख से आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोडिंग कर सकते हैं, साथ में अपने जो गेट के नोट्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, और गो क्लासेस के द्वारा कुछ ना कुछ, अगर इंटरव्यू के लिए कोई सीरीज या कुछ ना कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या कुछ भी वो होता है, तो आप लोग उसको भी अटेंड करना, देखना, उसमें कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिलेगी। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रिपेयर करके रखना, जैसे अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आप लोग रेडी करके रखना, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, ऑपरेटिंग सिस्टम, और अपना सी प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, तो ये बहुत अच्छे से रखना। और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा भी काफ़ी पूछते हैं इंटरव्यू में, तो ये चीज़ें चार पाँच सब्जेक्ट हैं जो आप पूरे तरीके से रेडी रखना। और अपने एप्टीट्यूड का तो ऐसा है, कभी भी प्रैक्टिस करते रहना, और एप्टीट्यूड के लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट ऑलरेडी मैंने बता रखी है कि एप्टीट्यूड ओवरफ्लो है, और इसका आप आराम से यूज कर सकते हैं, ये आराम से यूज करना, बहुत कुछ है, आप आराम से विजिट करना है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ें होंगी कि आप पहली तो साइड बाई साइड अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, दूसरा आप कोडिंग भी साथ साथ करोगे, क्योंकि जब आप एमटेक में एडमिशन लोगे तो कोडिंग में आपको हेल्प मिलेगी। अब ये था कि जिनकी रैंक ठीक ठाक आ रही है, जिनको अंडर 2000 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनकी रैंक जो उससे ज़्यादा है तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर वो ड्रॉप लेके प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके भी सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो, तो उससे थोड़ा मेरे को उससे भी इंसाइट मिलेगी, तो मैं उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों को जो अंडर 2000 तक आ रहे हैं उनको यही करना है, सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है,
कोडिंग करना है। अब जो अंडर टॉप 100 आ रहे हैं वो सिर्फ कोडिंग कोडिंग भी कर सकते हैं, पर कोडिंग तो करनी है ना, तो अच्छा अभी से ही स्टार्ट कर दो, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स का यूज करो, अच्छे अच्छे चैनल्स का यूज करो यूट्यूब पे सॉरी। और फिलहाल अभी के लिए क्या कर सकते हो कि गेट ओवरफ्लो पे एक गेट्स गेट्स यूजी 2023 के नाम से ब्लॉग आया ना प्योरी बेस्ड पेपर का, तो इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आप देख सकते हो। अभी मैं चलो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। चलो देखते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लॉगिन हो गया। ये आप ब्लॉग एक्सेस कर लेना, यहाँ से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये अभी ऑफिशियल क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और थ्योरी ऑफ कंपटीशन के 5 क्वेश्चन है, इनको आप आराम से देखना। कंप्यूटर कंपाइलर डिजाइन का भी 1 क्वेश्चन है, इसको देखना। और यूट्यूब पे एनालिसिस है, उसको भी आप लोग देखना आराम से। यूट्यूब पे एनालिसिस है, और अभी ए है दीपक सर ने लिया है फर्स्ट सेशन, उसके बाद सभी साथ पार्ट टू सचिन सर ले रहे हैं, लाइव ही चल रहा है एक्चुअली। तो अभी मैं आपको मैक्स मोस्ट फेमस फीचर दिखा इज देता हूँ, द स्मार्ट स्कैन। वॉल्यूम बंद कर देता हूँ क्योंकि अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा वो। तो अभी इसमें क्लास चल रही है, पूरा लाइव चल रहा है, तो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी आप लोग बाद में देख सकते हो, क्योंकि जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड होके वो पहुँचेगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, तब तक ये क्लास लाइव ख़त्म हो जाएगी, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं TOC के क्वेश्चंस वगैरह सारे, पूरा पूरा गाइडेंस दे रखा है, पूरा डिस्कस कर रखा है, तो यूट्यूब पे बढ़िया है। तो ये चीज़ आप लोग एक्सेस करना आराम से, ब्लॉग का एक्सेस करना है, इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखना, समझना क्या कॉन्सेप्चुअल है। और बहुत सारे एग्जाम्स रहे हैं गेट ओवरफ्लो पे, तो वो आप आराम से देना यहाँ पे, बाद में अभी नहीं, बाद की चीज़ है। तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3-4 जो भी हुए हैं सारे चीज़ आप लोग बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर दोबारा गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए है, ठीक है। तो अभी आप लोग सिर्फ ये चीज़ कर सकते हैं कि आप लोग एनालाइज देखने के लिए यूट्यूब पे आप लोग जुड़ सकते हैं गो क्लासेस से, और जस्ट रैंडम रैंडम रैंडमली किसी भी चैनल पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस के साथ ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है कि अच्छे से चीज़ें समझ में समझनी है, क्या आपने आंसर लगाया क्या नहीं लगाया, अगर आपको याद है, अदरवाइज पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद आंसर की आ जाएगी, तो सब साले क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गेट ओवरफ्लो का रैंक प्रेडिक्टर उस टाइम चालू हो जाएगा और आपका सब एक्यूरेटली प्रेडिक्ट हो जाता है। और गेट ओवरफ्लो का जो रैंक प्रेडिक्टर है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो वेल नोन रैंक प्रेडिक्टर है, उसमें एक्यूरेसी 99.99% रहती है, तो वो देखने की उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी चलो मैं गेट 2023 का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कुछ शेड्यूल वगैरह है कि आंसर की या रिजल्ट आने का, तो सारा चीज़ देखते हैं अपन। और चलो देखते हैं अभी चलो अपडेट्स पे देखते हैं आराम से। चलो एग्ज़ाम्स एग्जामिनेशन 12 फरवरी तक ख़त्म हो जाएंगे, 2 दिन पहले त्यौहार की। और कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल 15 फरवरी को रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, उसके बाद रिस्पॉन्स शीट 15 को आ जाएगी, तो 15 की रात में ही हम लोग रैंक प्रेडिक्टर अवेलेबल करा देंगे आपको गेट ओवरफ्लो पे, तो आपको वहाँ पे अपना आंसर की उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू यूज़ द रैंक प्रेडिक्टर, ओके। दो नो इशू, आई विल मेक एवरीथिंग एवरी वीडियो, आई विल मेक वीडियो ऑन एवरी टॉपिक राइट। एंड देन आंसर की अवेलेबल होगी जो ऑफिशियली वो 21 फरवरी को होगी, मतलब 1 वीक में आंसर की आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप लोग चैलेंज भी कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन अभी जब रिस्पॉन्स की आ जाएगी उसमें पता चल जाएगा किस क्वेश्चन को चैलेंज करना है। और रिस्पॉन्स की आने के जैसे मॉर्निंग में अगर आ जाती है, दोपहर में आ जाती है, तो इवनिंग या लेट नाइट तक हम लोग आंसर सारे करके और रैंक प्रेडिक्टर चालू कर देंगे, तो आप लोग उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें मिला लेना, सब एक जैसा ही रहेगा सेम। अगर किसी में चैलेंज करते हैं क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन में इधर उधर होगा जो भी है, पर गेट ओवरफ्लो की आंसर की 100% एक्यूरेट होती है, 100%। उसके बाद आप लोगों का जो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होगा 16 मार्च को आएगा, तो वो तो एकदम ऑफिशियल हो जाता है, पर आपका ऑफिशियली तो 15 अनऑफिशियली, पर एक्यूरेटली जो 100% होगा वो 15 फरवरी को ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपका चिल माहौल बन जाएगा। उसके बाद आप अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं, और ब्लॉग्स एक्सेस कर सकते हैं गेट ओवरफ्लो पर, वो चीज़ अभी मैं दिखाता हूँ।
थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा पर जस्ट रैंडम टॉक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखना, सपोर्ट करना। और एबिलिटी स्कोर कार्ड बाई कैंडिडेट, तो 21 मार्च को गेट का स्कोर कार्ड भी आपका आ जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके रख लेना। और गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप लोग उसका आराम से 3 साल तक यूज कर सकते हैं। पर PSU में ओनली आई थिंक करंट का स्कोर कार्ड मांगते हैं, पर एडमिशन में आप लोग 3 साल तक यूज कर सकते हैं। तो ये तो शेड्यूल था, ये ऑलरेडी मैंने गेट एंड टैक पे अपना क्या बोलते हैं कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से यहाँ से एक्सेस करना। ये लिंक सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अब चलो चलते हैं। आप लोग जैसे अब जिनका गेट एग्ज़ाम हो गया है, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं जो भी कुछ, तो आप लोगों अगर ब्लॉग्स पढ़ना तो आप लोग यहाँ से ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और अभी मैं लास्ट में जाके देखता हूँ, एक सेकेंड, टॉपर्स के ब्लॉग हैं जो 2022-21 बहुत सारे हैं, तो टॉपर्स के ब्लॉग हैं, तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं आराम से। और ये टेस्टिमोनियल में जाके आप आराम से 2021-20 और 19 इसको आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा बाहर अभी डिस्टर्बेंस होने लगा है, और कोशिश करूँगा मैं रेगुलर रहने की। बस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।